स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए सीधे चलते हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से, आइए सुनते हैं। राजनीति से कोई मतलब नहीं, पर समझता है और मुझे पूरे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश का एक नया पक्ष नक्शा बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश के मतदाता मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे, अपने भविष्य को सुरक्षित रखेंगे और सबसे बड़ी चीज सच्चाई का शांति आप सच्चाई आपको एक चीज है, जो तस्वीर आपने देखी है वो आपको चीज है और मुझे विश्वास है बहोली में नहीं पूरे गुना अशोकनगर में एक सबक सिखाएंगे कि हम प्रजातंत्र और संविधान की कदर करते हैं। संविधान ने बनाया हमारे पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर साहब बाबा साहब ने यह कभी नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा अपने देश में जहां सौदे से सरकार बन जाएगी, जहां खरीदे से सरकार बन जाएगी। अगर उन्होंने इतने स्वप्न थे हमारे स्वतंत्र सरकार से नहीं होते, हमारी कई लोकसभा ने जिसने हमारा संविधान बनाया उनको ऐसी होश नहीं थी ना कि अपने देश में भी ऐसा हो सकता है। हम उनका सम्मान करेंगे और मैं मध्य प्रदेश का झंडा, हमारे कांग्रेस का झंडा फिर से मध्य प्रदेश की तो पूर्व मंत्री के एल अग्रवाल ने बीजेपी का दामन छोड़कर कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रहे के एल अग्रवाल ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव के पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री के एल अग्रवाल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं के एल अग्रवाल। बमौरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हो सकते हैं के एल अग्रवाल। तो इस वक्त सियासत जो है मध्य प्रदेश की, उसमें काफी उथल पुथल का माहौल है। अभी तक कांग्रेस के ही विधायक अपनी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होते आ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी नेता भी दल बदल रहे हैं। के एल अग्रवाल उसका उदाहरण है। पूर्व मंत्री के एल अग्रवाल ने आज बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। बताया जा रहा है कि बमौरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं के एल अग्रवाल। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं हम आपको। पूर्व मंत्री के एल अग्रवाल ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें आज कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं के एल अग्रवाल। बमौरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं, यह खबर भी आ रही है। उपचुनाव के पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री के एल अग्रवाल ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश जी, अभी तक तो कांग्रेस के ही
नेता और विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे, अब ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। केएल अग्रवाल जो बीजेपी के नेता थे और मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी की सरकार में, अब उन्होंने अपनी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। तो सियासत जो है इस वक्त नित नए रंग दिखा रही है मध्य प्रदेश में, क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, जिस तरह से केएल अग्रवाल की हम बात करें, 2013 तक जब बीजेपी की सरकार मंत्री रहे हैं, ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, और कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक झटका है। अब कितना बड़ा है ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि केएल अग्रवाल की अगर हम बात करें तो कुछ दिन से लूप लाइन में पार्टी में थे, और यही कारण है कि उन्होंने ये उचित समय समझा बीजेपी छोड़ने का। और जिस तरह से लगातार सियासी घमासान मध्य प्रदेश में मचा हुआ है, कई नेता कांग्रेस छोड़कर, कई विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में जो कांग्रेस की भी स्ट्रेटेजी है कि कैसे अब बीजेपी के नेताओं को कांग्रेस में लाया जाए, हमने बालेंद्र शुक्ल को पहले देखा और अब केएल अग्रवाल जो कि पूर्व मंत्री भी आ रहे हैं, उन्हें सदस्यता दिलाई है, उन्हें कांग्रेस ज्वाइन की है, और खबर ये भी है कि बमहोरी से उनको अपना प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस जी। चलिए अब देखना होगा आने वाले समय में और क्या क्या कुछ देखने को मिलता है मध्य प्रदेश की सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने